हाउ टू फिक्स सैमसंग एट स्टार स्क्रीन हैंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में स्क्रीन हैंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका स्क्रीन हैंग कर रहा है ठीक है तो क्या रीज़न है किसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है किस तरीके से, से आपको सॉल्व करना है सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन हैंग तब होते है जब आपके मोबाइल पे स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाते या फिर आपका जो मोबाइल वर्जन है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उसके वजह से दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हैंग इशू क्रिएट होते हैं तो आपको क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पर करना है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा तो आपको वही फॉलो करना है ठीक है सोल्यूशन करने के लिए आपको वीडियो के तक बने रहना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है आप अपने मोबाइल के स्टोरेज चेक करें ठीक है आपका स्टोरेज एटलीस्ट फोर्टी तो टू फिफ्टी परसेंट फ्री आप होना चाहिए अगर हैंग करना शुरू हो रहा है तो आपको फ्री आप करना है ठीक है जंक फाइल डिलीट करना है कैश डिलीट करना है मोबाइल का और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको रिमूव करना होगा हैवी एप्लीकेशंस ठीक है अनयूज एप्लीकेशन सारे सात बेड एप्लीकेशन बेड एप्लीकेशन वो होते हैं जो आप अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं तो उनको डिलीट कर दे उनको डिलीट करते दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल को फ्री आप करना है कैसे भी करके ठीक है मर्ज कीजिए डुप्लीकेट फोल्डर्स फाइल्स उनको डिलीट कीजिए और अंत में जाके मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशन है मेन एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब हो गया जो भी यूजर्स में है तो आप उनको क्या कीजिएगा अपडेट करके यूज़ कीजिएगा ठीक है अपडेट करके यूज़ करने से ऐप में कोई भी क्रश नहीं होगा और कोई भी हैंग इशू क्रिएट नहीं होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले तो यह सॉल्यूशन कर सकते हैं इससे काम बन जाता है ठीक है अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जाइए सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन करें सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें एंड सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपका स्क्रीन हैंग इशू प्रॉब्लम कंप्लीटली फिक्सड हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाई एनी चांस कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आने पर जनरल मैनेजमेंट पे जाए रीसेट पर क्लिक करें और फैक्ट्री डेटा रिसेट करते हुए आप अपने मोबाइल को रिसेट करेंगे ठीक है कम्प्लीटली अपने मोबाइल को क्लीन करेंगे उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को कुछ दिन ऐसे ही यूज़ कीजिए हैवी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना हैवी गेम्स नहीं करना है लॉन्ग गेमिंग नहीं करना है तो ये सारे चीज़ें कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है और धीरे धीरे करके स्क्रीन हैंग इशू प्रॉब्लम ब्लैक स्क्रीन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं तो स्क्रीन हैंग इशू इस तरीके से फिक्स्ड हो जाएगा ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ताच में क्रैक है या फिर ताच बेंड हो चुका है या फिर किसी भी तरह का ऐसा इशू होने पर ताच रिपेयर करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं ठीक है तो मीट करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग